तो हेलो स्पोर्ट्स ऐसा चलो बात कर लेते हैं मुंबई सीरीज के बारे में तो छंगते मुंबई सीरीज में ही रहने वाले जो कि कोई नया बात नहीं है लाइक लास्ट सीजन जब छांगते को मुंबई सीरेफ सी लोन में लाए थे चेन्नई से तभी मैंने बता दिया था कि ऑलरेडी प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन है एंड चार साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब चार पाँच साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा बेसिकली छांगते मुंबई सीरीफ सी के साथ एंड छांगते नो no डाउट मुंबई में रहने वाले यार मतलब लास्ट सीजन सिर्फ लोन डील था क्योंकि चेन्नई के साथ कॉन्ट्रैक्ट बाकी था एंड यू नो इसी के कारण वो लोन डील था बट कॉन्ट्रैक्ट चेन्नई के साथ भी खत्म हो चुका है एंड मुंबई अभी फ्री है छांगते का साइनिंग कंप्लीट करने के लिए एंड ऑलरेडी प्री सीजन कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ छांगते मुंबई में ही रहने वाले एंड छाकते जिनका एज ट्वेंटी फोर लेफ्ट विंग पोजिशन के प्लेयर है अभी भी आराम से लाइक यू नो दस बारह साल तो खेल सकते कोई दिक्कत नहीं होगा अगर कोई इंजरी नहीं आता है तो जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते कि ना हो ऐसा कोई चीज एंड नो no डाउट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले सीजन में छांगते काफी ज्यादा स्किलफुल एंड टैलेंटेड प्लेयर है बहुत अच्छा स्पीड के साथ ऑपरेट करते हैं लेफ्ट विंग जो पूरा जो लेफ्ट फ्लैंक है उसमें बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं अटैकिंग जो स्किल है उनके पास वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है तो उनका रहना टीम को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देगा

तरफ से तो फीफा बहुत ही ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है एआईएफएफ को एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को एंड इसी हफ्ते के अंदर हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या इंडिया को कोई बैन मिलने वाला है नहीं तो यू नो बैन हो सकते हैं इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो कि अलाउड नहीं है फ़ीफा के रूल में इसी कारण पाकिस्तान के जिम्बाब्वे जैसे टीम्स भी नेशनल टीम्स भी यू you नो know, बैंड फीफा से एंड अगर ऐसा होता है तो इंडिया ऑफकोर्स ए सी एशियन कप नहीं खेल पाएंगे एंड ना ही कोई क्लब कॉम्पिटिशन मतलब ए सी चैम्पियंस लीग एफ कप हर चीज़ बंद हो जाएगा सो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉल होगा इंडिया के लिए एस एफ के लिए एंड फ़ीफा अभी तो खैर यू you नो know, जितने भी ऑर्डर्स है एंड जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का उनको

काफी अच्छे अच्छे क्लब्स है और इसी के साथ साथ लाइक you know, यू नो ओडाउन इंडिया करेंटली अपने करियर के काफी टॉप में है सो so, एक बढ़िया साइनिंग होगा एंड ऑफ कोर्स इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस भी है उनका एंड उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा ही रहा है तो रिसेंट टाइम में भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है फुल लाइक प्ले टाइम उनको मिल रहा है अभी स्पेन के यू नो डिवीजन में एंड uh, देखते कि क्या फाइनली उड़े उन्या मोहन बगान में आते नहीं सच एफ सी गोवा की तरफ से तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि रॉय कृष्णा का क्या हुआ कि हम लोग एलवर्ड वास्केस एंड रॉय कृष्णा का ये डू देख पाएंगे या नहीं तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि हाँ ये सच है कि रॉय कृष्णा के ऊपर एफ सी गोवा ने इंटरेस्ट तो

लाइक like, कमजोर हो सकता है एफसी को मिडफील्डर्स चाहिए विंगर्स चाहिए डिफेंडर्स चाहिए तो फॉरेन प्लेयर्स काफी ज्यादा चाहिए और इतना जल्दी हर एक चीज करना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाएगा और नो no डाउट यार मतलब एफसी गोवा लास्ट सीजन भी उन्होंने जस्ट एक बेसिक इंटरेस्ट दिखाया था रोहित कृष्णा के ऊपर एंड इस सीजन भी लाइक like, वो इंटरेस्टेड तो थे बट रोहित कृष्णा लाइक यू नो गोवा में नहीं आने वाले जो कि लाइक like, काफी ज्यादा मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर करके बता दिया था कि वैसा कुछ नहीं होने वाला है एंड अभी तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि यार हाँ गोवा रॉय

एंड uh, अगर लाइक like, लिवरपुल वहाँ पे एक ड्रॉ नहीं करता तो शायद लिवरपुल इस बार यू नो प्रीमियर लीग जीत सकता था बट सैडली वैसा नहीं हुआ अब जो होना था वो हो गया है मैनचेस्टर सिटी जीत चुके हैं प्रीमियर लीग एंड इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता लाइक यू नो प्रीमियर लीग जीतना अपने आप में बहुत बड़ा बात है बट uh, अभी नेक्स्ट टारगेट है ऑफकोर्स लाइक यूफे चैंपियंस लीग एंड लिवरपुल का तो खैर वही मेन टारगेट है क्योंकि अभी और कुछ बचा नहीं है लाइक like, यूफे तो उन्होंने जीता ही ऑलरेडी बट यू नो यू चैंपियंस लीग जीतना ज़्यादा बड़ा बात है एंड यू नो प्रीमियर लीग में हार के बाद डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे कि चैंपियंस लीग जीत के एक हाई नोट पे सीजन को खत्म करे एंड एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इस बार का हुआ है प्रीमियर लीग एंड इसी के साथ साथ प्रीमियर लीग का ये सीजन ख़त्म हो चुका है बर्नली हो चुका है रेलीगेट जो कि थोड़ा सा सैड पार्ट है बट लाइक जो रूल है वो रूल है एंड ये प्रमोशन रेलिगेशन का ये जो सिस्टम है इसी के कारण फुटबॉल इतना ज़्यादा पॉपुलर है एंड देखने में भी अच्छा लगता है क्योंकि आपको बस यू नो टॉप फोर में नहीं आना है आपको बॉटम थ्री भी इसकेप करना होता है सो तो इसीलिए एंड ऑफ द डे थक यू नो मैच बहुत कॉम्पटेटिव होता है एंड सोन को मिला है गोल्डन बूट जो कि एशियन फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क है कि एशियन प्लेयर को यू नो प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट मिला गोल किया सोन ने तो एक ह्यूज अचीवमेंट है एंड uh, इसी के साथ साथ अगर हम लोग पूरा प्रमोशन का ही बात कर ले मतलब प्रोमोशन नहीं मतलब टॉप फोर का बात कर ले तो प्रीमियर लीग में टॉप फोर में फिनिश किया है एंड फिफ्थ एंड सिक्स मतलब जो यूरोपा लीग का जो स्पॉट है उसमें फिनिश किया है आरसनल एंड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एंड सेवन पोजिशन मतलब कॉन्फ्रेंस लीग का जो पोजिशन है उसमें फिनिश किया है विस्टाम ने सो मतलब ये तीनों जो टीम्स है ये लोग यू नो यूरोपा लीग एंड कॉन्फ्रेंस लीग खेलने वाले चैलेंज चैंपियंस लीग खेलने वाले मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल चेल्सी एंड टॉटेनम एंड अगर रेलीगेशन का बात करें तो तीन जो टीम्स रेलीगेट हो चुके हैं वो है बर्नली वैटफर्ड एंड नॉरविच सिटी जो कि लाइक यू नो काफ़ी अच्छे टीम्स थे एंड तीनों ही रेलीगेट हो चुके अगर ये मैच बर्नली कल जीत जाते लीड्स के अगेंस्ट में था तब लीड रेलीगेट हो जाते हैं बट सैडली यू you नो know, बॉन्डली रेलीगेट हो चुके हैं एंड यू नो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन टू मैनचेस्टर सिटी फॉर विनिंग द प्रीमियर लीग एंड नेक्स्ट सीजन प्रीमियर लीग हम, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं नेक्स्ट सीजन के लिए एंड देखते हैं कि नेक्स्ट सीजन कब तक स्टार्ट होता है सच सीरिया आई की तरफ से तो सीरिया आफ्टर एलेवन ईयर्स एसी मिलान ने जीत लिया है सीरिया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड लाइक यू नो इस बार लाइक like, लिटरली एसी मिलान डिजर्व टू विन द दीरिया टाइटल बहुत ही बढ़िया गेम उनकी तरफ से एंड उन्होंने लिटरली झंडे गाड़ दिए इतना कमाल का परफॉर्मेंस रहा है पूरा सीजन उन्हें बहुत स्ट्रगल किया अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था ये पूरा सीरिया है, सीरिया है सबसे ज़्यादा क्लोज एक लीग हुआ इस साल लाइक प्रीमियर लीग के बाद अगर सबसे ज्यादा क्लोज लीग हुआ है तो वो है सरिया क्योंकि सीरिया में लाइक प्रीमियर लीग में हम लोग को पता था या तो लिवरपुल या तो मैनचेस्टर सिटी बट सीरिया में ये लिवरपुल मैनचेस्टर सिटी सिर्फ दो टीम्स के बीच में कंपटीशन नहीं था एसी मिलान इंटर मिलान नेपोली के बीच में कंपटीशन था तीन टीम के बीच में कंपटीशन था एंड जुवेंटस जैसे टीम्स ने बहुत स्ट्रगल किया टॉप फोर में रहने के लिए बट एंड में आके आके मतलब वो सेट हो गए थे एंड टॉप फोर में फिनिश किया एसी मिलान इंटर मिलान नेपोली एंड जुवेंटस ने मतलब चैंपियंस लीग खेलेंगे यूरोपा लीग खेलेंगे लाजियो एंड फिफ्थ एंड सिक्स में फिनिश किया इन्होंने एंड मतलब कॉन्फ्रेंस लीग खेलेंगे Florentina, तो हाँ अटलांटा कोई नहीं कुछ नहीं खेलने वाला यहाँ पे एंड रेलगेट uh, हो चुके हैं जियोना एंड वेनेजिया बहुत बड़े बड़े क्लब्स है ये एंड uh, इसी के साथ साथ यू नो स्लटियाना जिसको लग रहा था कि रेलीगेट हो जाएंगे बट बच गए वो रेलिगेट नहीं हुए जो कि अच्छा बात है डेफिनेटली एंड लाइक सी ए बहुत कॉम्पिटेटिव हो रहा है एंड देखने में भी बहुत मजा भी आने वाला है आने वाले सीज़न्स में क्योंकि चीज़ें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है अच्छा अच्छा टीम बन रहा है वहाँ पे तो प्रीमियर लीग को एक अच्छा खासा एटलीस्ट कॉम्पिटेटिव यू नो सेक्शन में तो टक्कर देंगे एंड वेरी वेरी कॉलेचुलेशन टू ए मिलान फॉर विनिंग द सी टाइटल